आज एक परिवार से मुझे मिलने का मौका मिला, वो गहरा दुख है, एक पिता और मां का दुख और एक पत्नी का दुख, ये बड़ा दुख है जो संकट उनके बीच में सामने आया है। हम समाजवादी लोग और सरकार के लोग इनके इस दुख में हम उनके साथ हैं। जो सहयोग चाहेंगे और जो कुछ सरकार के माध्यम से हो सकता है, सरकार उनके परिवार का सहयोग जरूर करेगा। ये जमाना ऐसा स्टिंग का है कि आप जिसकी चाहो उसकी स्टिंग कर लो। हमसे आप भाई बनकर के आओ, दोस्त बनकर के आओ, मेरे पास बैठ जाओ और अपना कैमरा छिपा हुआ ऑन कर लो या कहीं से ऑन कर लो, स्टिंग किसी का भी हो सकता है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, और मैं तो ये भी कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, यहाँ पत्रकार मथुरा के लोग हैं हमारे सामने हैं, आप तो खैर दिल्ली से आए हैं, मथुरा के जितने भी साथी हैं, जब मैं पहली बार आया था तो मथुरा के तमाम पत्रकार और तमाम ऐसे लोगों को मैं जानता हूं प्रतिष्ठित और सम्मानित, जिन्होंने कहा कि ये जगह खाली होनी चाहिए। देरी हुई और हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने काम आगे बढ़ाया, वो दुर्भाग्य है कि कैसी घटना हो गई। मैं समझता हूं जो सवाल पीछे से आ रहा था, किसी भी घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। सरकार हमारी है, समाजवादी लोगों की सरकार है, आज हम पे उंगली उठा रहे हो, आपके भी घटना हुई है, बहुत सारी घटना हुई है, मैं समझता हूं हमने अभी तक उंगली नहीं उठाई। अगर ये फर्क क्या होगा उनकी घटना और हमारी घटनाओं पर उंगली उठने लगे, और मैं समझता हूं जो बिंदु आने होंगे सब जांच में आएंगे और कहां चूक हुई, कहां कमी हुई, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार की मंशा साफ थी कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जान न जाए। और आप देखते होंगे कि जो जो मथुरा की जनता, मैं समझता हूं मथुरा की जनता ने जब वो बाहर भागे हैं, तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पत्रकार साथी भी जानते हैं, मथुरा की जनता ने गुस्सा दिखाया उन लोगों के ऊपर भी। और जो गरीब आए, आप सोचिए देश का दुर्भाग्य क्या है, समाज का दुर्भाग्य क्या है। दुर्भाग्य ये, इस पे विचार आपको नहीं, सबको सोचना चाहिए कि खाना मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, आप जितना चाहो उतने लोग इकट्ठे कर लो। बताओ देश का कितना दुर्भाग्य है कि अगर हम खाना देने लगे और किसी बात को लेकर के भड़काने लगे, गुस्सा लाए उनके अंदर, लोग आपको मिल जा रहे हैं। आप गरीब हैं, जिनका जिनकी जाने गई, मैं समझता हूं उनके परिवार के लोग आए कि नहीं आए, उन्हें सूचना मिली कि नहीं मिली, ये भी नहीं पता, अटैक ही करने गए उसी पर अटैक हो गया। तो मैं समझता हूं वो तमाम बिंदु जो आप पूछ रहे हैं या अपने अखबार के माध्यम से छाप रहे, वो भी बिंदु आएंगे।